गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम फिर से बात करते हैं लेटर टू द एडिटर की। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था लेटर टू द एडिटर फेलियर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आज हम बात करते हैं एक और लेटर टू द एडिटर की, जिसमें हम पढ़ेंगे बैड रोड्स इन आवर लोकेलिटी। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? बैड रोड्स ऑन आवर लोकेलिटी। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में अपने को, क्वेश्चन क्या है? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका ऑन बैड रोड्स इन योर लोकेलिटी। तो आपको एक लेटर लिखना है किसको? एडिटर को। किसके ऊपर? ऑन बैड रोड्स यानी खराब सड़कें इन योर लोकेलिटी। आपकी जो बस्ती है, गांव है, उसमें क्या है? खराब सड़कें हैं, सड़कें अच्छी नहीं है। उसके ऊपर आपको लेटर लिखना है किसको? एडिटर को, राजस्थान पत्रिका को। जरूरी नहीं आपके हर क्वेश्चन में राजस्थान पत्रिका कोई सा भी न्यूज़पेपर का नाम आ सकता है, वही न्यूज़पेपर मुझे को क्वेश्चन में लिखना है। चलिए बात करते हैं आज बैड रोड्स ऑन योर लोकेलिटी के बारे में, देखकर कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही लिखना है जो पहले हमने लेटर टू द एडिटर में किया है। तो सबसे पहले क्या लिखा था मैंने? सबसे पहले हमने लिखा था सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी लिखने वाले का पता, भेजने वाले का पता लिखना है। उसके तुरंत बाद फिर क्या करनी है? एक लाइन खाली छोड़नी है। क्या करना है? एक लाइन खाली छोड़नी है। जस्ट उसके बाद अपने को लिखनी है, क्या लिखनी है? डेट लिखनी है, जैसे आज की डेट लिख दी, और ईयर लिखनी है, कौन सी ईयर है। जस्ट उसके बाद में फिर से हमने क्या किया था? एक लाइन खाली छोड़ी थी। फिर इसके बाद हमने क्या करना है? रिसीवर्स एड्रेस। क्या लिखना था उसके बाद अपने को? रिसीवर्स एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पता लिखना था। और इसमें एक बात और अपने को ध्यान रखनी थी, क्या? कि कभी भी प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिखना है। इसका क्या लिखना है? उसका पद लिखना है और प्लेस लिखना है कि कौन सी जगह से वो बिलोंग करता है। तो इसमें हमने इसका पद लिख दिया और कौन सी जगह से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें हमने इसमें लिख दिया। जस्ट इसके बाद में क्या करना है अपने को? एक लाइन खाली छोड़ी हुई। किस पे आ जाना है? सब्जेक्ट, कि किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक लिखना है अपने को इसमें। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी, बैड रोड्स इन आवर लोकेलिटी, किसके बारे में? खराब सड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो टॉपिक लिखना है अपने को सब्जेक्ट में। जैसे मैंने टॉपिक लिखा है ऑन बैड रोड्स इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारी बस्ती में खराब सड़कें हैं, उससे हम एडिटर को क्या कर रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं। जस्ट इसके बाद में फिर से क्या करना है? एक लाइन क्या करनी है? छोड़ देनी है। फिर क्या करना है? सैल्यूटेशन। क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैल्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना भी अनिवार्य है। तो सैल्यूटेशन हमने क्या लिख दिया? सर। सैल्यूटेशन का मतलब क्या बताया था? संबोधन। तो क्या लिख दिया सैल्यूटेशन? सर। जस्ट इसके बाद में लाइन सामने वाली खाली छोड़कर जस्ट इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। पहले भी लेटर टू द एडिटर में बताया था कि स्टार्टिंग की जो लाइनें हैं वो अपने हर लेटर टू द एडिटर में क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। तो देखो, पहले में हमने लेटर टू द एडिटर में ये लाइनें क्या करी थी? लिखी थी, और इसमें भी ये लाइनें लिखी है। देखो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सटेंड न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज। यहां तक हमने पहले भी लेटर टू द एडिटर में लिखा था, और इसमें भी यहां तक ये लाइनें कॉमन लिखी है। तो देखो, थ्रू द कॉलम यानी आप कॉलम के माध्यम से, थ्रू यानी माध्यम से, कॉलम ऑफ योर एक्सटीम्ड न्यूज़पेपर ऑफ योर, आपके जो एक्सट्रीम है, सम्मानित या सम्मानीय जो न्यूज़पेपर अखबार है, कौन सा? राजस्थान पत्रिका। जरूरी है हर बार राजस्थान पत्रिका ही ले जा सकता है, दैनिक भास्कर कोई सा भी ले सकते हैं, जो अपने क्वेश्चन में दिया होगा। जस्ट इसके बाद में आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज, जो अधिकारी गण है उनका अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किसकी ओर? ऑन बैड रोड्स, ऑन बैड रोड्स इन आवर लोकेलिटी। ये देखा, ये क्या था अपना सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट अपने इसमें यहां पर पुट कर दिया।
आपके कॉलमों के माध्यम से या आपके न्यूज़ में जो सम्मानीय अखबार है उसके माध्यम से, उसके कॉलमों के माध्यम से जो राष्ट्र पत्रिका है, मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किसके ऊपर, हमारे बस्ती में जो कस्बा है, गांव है, उसकी खराब सड़कों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब इसके बाद में फिर आगे जो लाइनें लिखनी थी वो अपनी को अपने हिसाब से लिखनी थी कि अपने गांव में सड़कें खराब है तो उससे लोगों को क्या तकलीफें हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है, गड्ढे हो गए तो उससे क्या क्या क्या, क्या रीजन हो रहे हैं, उससे क्या क्या दुर्घटनाएं हो रही, वो सारी चीजें अपने को इसमें लिखनी है। और वो सारी चीजें कब आएगी, जब अपने को सेंटेंस मेकिंग आएगी। और वैसे भी अपन 12th क्लास 10th क्लास में चले गए तो सबको सेंटेंस मेकिंग करना तो आ ही गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक क्या था अपना, ऑन बैड रोड्स इन आवर लोकेलिटी। इसका क्या करना है अपने को, इंडिया नीचे इंडिया जैसे अपने गांव में खराब सड़कें हैं उसके ऊपर क्या करना है अपने को लिखना है। अब अपने को पता है कि गांव में खराब सड़कें हैं, खराब सड़कें हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, तो उसको पहले सोचो, दिमाग में सोचो और फिर उसकी सेंटेंस बनाओ हिंदी में। जैसे सबसे पहले सेंटेंस बनाया हमने कि हमारे गांव में सड़क क्या है, बहुत ही खराब है, सड़क की स्थिति क्या है, बहुत ही खराब है। देखो, द रोड सिचुएशन इज वेरी बैड इन आवर लोकेलिटी। द रोड सिचुएशन, जो रोड की स्थिति है, जो सड़क की स्थिति है, इज वेरी बैड बहुत ही खराब है इन आवर लोकेलिटी, हमारी बस्ती में, हमारे गांव में जो सड़क की स्थिति है वो क्या है, बहुत ही खराब है। अब भैया बहुत ही खराब है तो कैसे खराब है, इसकी सर खराब ऐसे कि उसके ऊपर क्या हो गए, बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, क्या हो गए गड्ढे। तो देखो, देयर आर मैनी पॉटहोल्स ऑन रोड, देयर आर मैनी मतलब वहां पर क्या हो गए, मैनी बहुत सारे पॉटहोल्स यानी गड्ढे, ऑन रोड यानी सड़क के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। अब गड्ढे हो गए सड़क के ऊपर तो उससे क्या नुकसान है, तो उससे देखो क्या नुकसान है, दीज पॉटहोल्स आर कॉजिंग एक्सीडेंट्स, दीज पॉटहोल्स जो गड्ढे हैं आर कॉजिंग, वो क्या कर रहे हैं, कारण बन रहे हैं किनका, एक्सीडेंट्स। अगर सड़क पर गड्ढे होंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट के कारण तो बनेंगे, ढंग से नहीं चलाएंगे, अगर गड्ढे होंगे तो एक्सीडेंट के कारण तो बनेगा ही। तो क्या हो गया, दीज पॉटहोल्स आर कॉजिंग एक्सीडेंट्स, जो गड्ढे हैं वो किनका कारण बन रहे हैं, दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। देन इसके बाद में क्या करना है, फिर से और सोचना है कि उसके ऊपर जितने से जितने ज्यादा सेंटेंस सोच सकते हो उतने हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे देखो, फिर इसके बाद में जैसे गड्ढे हो गए, बारिश के दिनों में क्या होगा, गड्ढों में कीचड़ भर जाएगा, तो कीचड़ को क्या बोलते हैं, मड। तो देखो, मड्स फिल इन द पॉटहोल्स, मड्स जो कीचड़ है फिल भर जाता है इन द पॉटहोल्स यानी गड्ढों में, जो कीचड़ है वो क्या हो जाता है, गड्ढों में भर जाता है, मड्स फिल इन द पॉटहोल्स। अब कीचड़ गड्ढों में भर गया तो उससे भी लोगों को तकलीफ होती है, होती ही नहीं होती है, अपन चल रहे हैं रास्ते में और गड्ढे हो गए तो आने जाने में परेशानी होगी, नहीं होगी, होगी ना। तो देखो, इसके बाद में फॉर दिस काउज, इस कारण से पीपल्स हैव ट्रेवल कम्यूटिंग, कम्यूटिंग का मतलब होता है आना जाना, भ्रमण करना। तो देखो, फॉर दिस काउज, इस कारण से पीपल्स जो लोग हैं हैव ट्रेवल मतलब परेशान होते हैं, तकलीफ होती है उन्हें क्या करने में, कम्यूटिंग आने जाने में, भ्रमण करने में क्या होती है, तकलीफ होती है। अरे एक तो रास्ता अपने को सही मिले तो उसमें चलने में तकलीफ होगी क्या, और एक रास्ता जिसमें गड्ढे गड्ढे हो तो तकलीफ तो होगी। तो ये सारी समस्या क्या करनी है अपने को, उस लेटर में लिखनी है। और जस्ट इसके बाद में गवर्नमेंट शुड बी टेक ए एक्शन ऑन इट, और फिर क्या करना है अपने को, फिर लास्ट लेटर लिखने के बाद में अपन ये कहते हैं, जैसे स्कूल में छोटा सा लेटर लिखते हैं तो क्या करते हैं अपन, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कि कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करे, ऐसा लिखते हैं ना, वैसा ही इसमें अपन लिख रहे हैं न्यूज़पेपर वालों को कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करे, तुरंत से तुरंत कोई ना कोई कार्यवाही करे। तो अपनी इच्छा से ये लाइन भी जोड़ सकते हो, तो गवर्नमेंट शुड बी टेक ए एक्शन ऑन इट, गवर्नमेंट जो सरकार है शुड बी टेक एक्शन, उनको एक कार्यवाही करनी
सरकार को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। जस्ट इसके बाद फिर क्या करना, आपको ये डेंजरस लाइन दिख रही है, इनका मतलब होता है फिर क्या करना है, एक लाइन खाली छोड़नी है। तो एक लाइन खाली छोड़ दी, फिर इसके बाद में पहले भी लेटर टू एडिटर में यही लाइन अपने हमने लिखी थी, लिखी थी ना ये, प्लीज पब्लिश इट एंड ओब्लिक। पहले भी कहा था कि ये लाइन सदा बहार है, हर लेटर टू द एडिटर में अपने को ये लाइन लिखनी है। क्या करनी है, लाइन लिखनी है, क्योंकि अपन किसको लिख रहे हैं, अखबार वाले लिख रहे हैं, और अखबार लिखते हैं तो उसको बाद में बोलते ही हैं कि कृपया इसको प्रकाशित तो करना ही, और इस तरीके से प्रकाशित करना है कि जो अधिकारी गण है इसकी ओर तुरंत आकर्षित हो जाए। तो ये लाइन इसके लिए अपने को लिखनी है, ये नहीं कि अपन लेटर तो लिख दिया और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो, तो फिर क्या होगा, उस लेटर का कुछ मतलब नहीं होगा। तो क्या करना है, ये लाइन जरूर लिखनी है ताकि इस लाइन को पढ़कर उनका ध्यान जल्दी से आकर्षित हो। प्लीज पब्लिश इट एंड ऑब्लिक, कृपया इसे प्रकाशित कीजिए और इस तरह से मतलब इसको उपकृत कीजिए ताकि जो अधिकारीगणों का ध्यान है वो तुरंत इस पर डले। देन इसके बाद क्या करना है, फिर से आपको डेंजरस लाइन दिख रही होगी, इन डेंजरस लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन छोड़नी है फिर से। फिर इसके बाद क्या लिखना है, योर्स ट्रूली, पहले भी कहा था योर्स ओबेडिएंटली नहीं लिखना है, योर्स ट्रूली लिख देना है या योर्स सिंसियरली लिख देना है या योर्स फेथफुली। इसके लिए बाद में क्या लिखना है, नाम, अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो वही नाम अपने को यहाँ पर लिखना है, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो अपनी इच्छा से यहाँ कोई सा भी नाम है, लिख देना है। देन इसके बाद में दिया हुआ है डेजिग्नेशन, DESIGNATION डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पद। फिर क्या लिखना है, उसका पद लिखना है, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, जो भी है उसका यहाँ पर क्या लिखना है, अपने को पद लिखना है। इस प्रकार से आज अपना दूसरा एक और लेटर टू द एडिटर कंप्लीट हुआ। अब इसको अपनी कुछ नोटबुक में भी उतार लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।